अनु तू कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे तेरे लिए। तू ठीक है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे आंटी जी, बोलेगी कैसे? आपने तो सुना ही होगा, जब कांच टूटता है ना तो उसकी आवाज आती है और वो दिखाई भी देती, लेकिन टूटे हुए दिल की आवाज न किसी को सुनाई देती है और न ही दिखाई देती है। देखे ना बेचारी तनु को, उसके तो आंसू भी सूख गए, बहुत सदमा लग गया होगा ना बेचारी को। तू आ, तू बैठ यहाँ पे, आजा। तनु, कुछ लोगी क्या? मेरा मतलब है पानी, चाय अब हल्दी वाला दूध। मितारी तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ आंटी जी, वो कहते ना जब चोट लगती है तो हल्दी का दूध ही सबसे अच्छा होता है। वैसे तुम गई कहाँ थी? सुसाइड करने तो नहीं गई थी? गई होंगी शायद। वैसे भी जिस लड़की की शादी टूट जाए या जिसका होने वाला पति उसे मंडप में यूं ही छोड़कर चले जाए, मतलब 5-6 फेरे हो गए, एक तो फेरे बची हो, तो वो तो यही करेगी ना, मतलब उसके लिए खुद खुशी के अलावा तो और कुछ बाकी नहीं रह जाता। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। संभालो अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन ऐसे कोई रिएक्ट करता है क्या? बाहर ये नाटक करने का क्या फायदा है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता कि प्रज्ञा हमारे पास है, उसे हमने किडनैप किया, और एक बार हम भाई को रियलाइज करा देंगे कि प्रज्ञा सेफ है, उसके बाद हम उन्हें फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ शादी करा सकते हैं, तुम्हारी भाई के साथ शादी हो जाएगी। यस, बैठो तुम, रिलैक्स। यू आर राइट आलिया, मेरी शादी हो जाएगी, बस मैं मंडप में बैठ जाऊं और मेरी शादी हो जाएगी। बट मेक श्योर, मेरी जो फेरों की अग्नि है ना, वो प्रज्ञा की चिता से जलनी चाहिए, ताकि जब मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूं तो उसकी बरसी हो। और हाँ, मेरी हनीमून की टिकट भी ना उसकी 13वीं के दिन करवाना। स्टॉप इट, तुम बार बार वही बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला ना, उसको मारने के बारे में सोचो मत, वो हमारे कब्जे में है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो फिर तुम व्हाई आर यू इवन लूजिंग होप? मैं होप नहीं छोड़ रही आलिया, बल्कि अभी तो मुझे और भरोसा हो गया है कि मेरी अभी से शादी होगी, जरूर होगी, क्योंकि अब शादी रोकने के लिए प्रज्ञा जिंदा भी नहीं रहेगी, उसे मरना ही होगा। मरने से पहले भी वो अभी को देख नहीं पाएगी। इनफैक्ट जब तक अभी उसे बचाने पहुंचेगा, क्या तब तक भगवान के पास पहुंच चुकी होगी? मैं तो अभी को अपना नहीं बना पाई आलिया, शायद प्रज्ञा की मौत ही उसे मेरा बना दे। अभी को मेरा होना होगा आलिया, हर हाल में मेरा होना होगा। क्या बाबुल, सुन, जब मांग रही तो दे देते ना इसको दारू। तू पागल हो गया? भाई को पता चला ना तो भाई पुंगी कैसे बजाता है। अरे यार, भाई खुश हो जाएगा, ये दारू पीने के बाद फुलटूस सो जाएगी। भाई को तो मालूम नहीं नींद कितनी प्यारी है, तो सोना बहुत पसंद है। इसी के बाद हम लोग भी अपनी कमर सीधी करके आराम कर लेंगे यार। चुप करो मैडम जी, चुप करो, देंगे तुमको दारू, देते हैं। सच्ची? हाँ, पर तू ये बता कि कहीं तू शोर तो नहीं मचाएगी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बता, तू लिखती कौन से हाथ से? लिख कर दूंगी, शोर नहीं मचाएगी। जितना पूछा जाए उतना बहुत। राइट राइट हैंड। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा राइट हैंड बंदा रहेगा, शराब तो उल्टे हाथ से भी होगी। सुन, इसका राइट हैंड बांध और लेफ्ट हैंड खोल दे। लेकिन एक हाथ से मैं उल्टे हाथ से। अरे क्या उल्टे हाथ से नशा नहीं होगा क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली। शराब चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, मैं पी लूंगी ना, उल्टे हाथ से पी लूंगी। ए,
इसका राइट हैंड बंदा रहने दे, उल्टा खोल दे, उल्टे हाथ से पिएगी। चल गिलास ले। चकना वकना ले क्या पटियाला? मैडम जी अरे ये तो एक ही कुछ में पी ली। नहीं ये तो पक्की बेवड़ी है। नहीं नहीं वो मेरे घर पे ना रेस लगाते हैं कौन ग्लास पहले खत्म करता है, वो बहुत मजा आता है। हम लोग को भी रेस लगाना चाहिए। बरोबर बोली, बरोबर है ना। चलो रेस लगाते हैं। चलो बस यहाँ से निकल जाऊं फिर बाहर जाकर देखूंगी घर कैसे पहुंचना है। लेकिन अगर ये तीनों उठ गए तो ये मेरा पीछा कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे उठ भी जाए तो भी मेरे पीछे ना आ पाए। इनको बांध दिया तो ये उठ भी गए तो मेरे पीछे नहीं आ पाएंगे। ये तो सुन ही नहीं रहा, लगता है कमिश्नर साहब से ही फोन करवाना पड़ेगा। टेंपो लाश भी उसके अंदर। एक मिनट रुक, रुक। अरे वो तेरी बहन जो टेंपो से किडनैप हुई थी, टेंपो का कलर क्या था? क्रीम। हाँ क्रीम कलर। और तुम्हारी बहन ने कपड़े क्या पहन रखे थे? सर उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए, शादी का जोड़ा। हाँ हाँ अच्छा रुक रुक मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? अरे वो हाईवे के पास जो तालाब है उसके पास एक लावरेज टेम्पो मिला है, दो डेड बॉडी उसके अंदर, और जो लड़की की डेड बॉडी है उसने शादी का जोड़ा पहन रखा है।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।